नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की मॉर्निंग बुलेटिन में। इस समाचार के प्रायोजक है डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आई नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में इमारत ढहने की घटना के बाद 150 लोग हुए लापता, भारतवंशी दंपति और बच्चा भी शामिल। चीन को चेतावनी, साउथ चाइना सी में पहली बार पहुंचेगा यूके का HMS क्वीन एलिजाबेथ वॉरशिप, इंडियन नेवी के साथ युद्धाभ्यास भी करेगा। इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को बताया था शहीद, अब पाकिस्तानी मंत्री ने दी सफाई, कहा जुबान से फिसल गया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर फंसा ट्विटर, इंडिया चीफ मनीष माहेश्वरी के खिलाफ यूपी के बुलंदशहर में दर्ज हुआ केस। दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, जल्द एंटी ड्रोन डिवाइस खरीदेगी भारत सरकार, इसराइल से डील संभव। पालघर फैक्ट्री विस्फोट में घायलों को 15 लाख दे महाराज सरकार, NGT का बयान। कांग्रेस ने केंद्र से की मांग, कहा कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को मिले 10 लाख रुपए। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। रांची DC ने 2 दिन में ही स्कूल फीस वृद्धि मामले पर वापस लिया आदेश, बोले विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जारी होगा स्पष्ट निर्देश। CM हेमंत के नेतृत्व में TAC की पहली बैठक संपन्न हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने बहिष्कार किया। झारखंड में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, पुलिया के नीचे कार्टून में मिला नवजात बच्चे का शव, जांच में जुटी पुलिस। 20% आबादी वैक्सीनेटेड हो तभी तीसरी लहर से बचाव होगा, बिहार में अब तक 12.27% आबादी हुई वैक्सीनेटेड। पटना में अपराधियों का तांडव, बेवजह फायरिंग करने से रोका तो सिटी में नाश्ता कर रहे युवक को कर दी हत्या, जक्कनपुर के नहर के पास खड़े अपराधी को ही मारी 2 गोली। पाक की नापाक फंडिंग थी दरभंगा ब्लास्ट के पीछे, पड़ोसी देश का कनेक्शन जुड़ा, यूपी तेलंगाना से गिरफ्त में आए लोगों के बैंक अकाउंट खंगालने में जुटी NIA की टीम। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। यूरो कप में सबसे बड़ा उलटफेर, स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया, स्विस टीम 60 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलेगी। BCCI ने कोरोना के चलते UAE में शिफ्ट किया टूर्नामेंट, सचिव जय शाह बोले ICC को आज ही दी जाएगी फैसले की जानकारी। ये थी हमारी आज की मॉर्निंग बुलेटिन, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ, धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।